नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बेबी फ्रॉक के सेकंड पार्ट को लेके हाजिर हूँ। तो पहले पार्ट में हमने चोली तक बनाया था और इस पार्ट में हम घेरा बनाएंगे और इसकी फिनिशिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो हमने दोनों पार्ट्स देखिए ऐसे जोड़ लिया, ये ऐसे बन के आया है। अब हमें सिर्फ क्रोशिए का थोड़ा सा काम करना शेष है। और देखिए ये हमारा फ्रॉक का अपर पार्ट तैयार हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें फंदे उठाएंगे। तो इसको ऐसे लेंगे, ऐसे लगभग सेंटर में ऐसे सिलाई डालेंगे और फंदे उठाना शुरू करेंगे। दस नंबर की सिलाई पे ही हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। से पास पास हम फंदे उठाएंगे। अब ये जितने हमें सीधे फंदे दिखाई दे रहे हैं, सब में हम एक एक फंदा उठा लेंगे। ये फंदे मैं राउंड निडल में उठा रही हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल निडल में भी उठा सकते हैं। तो जितने फंदे हमारे उठ जाए उतने फंदे हमें आराम से उठाने हैं। तो सभी फंदे उठा के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी फंदे उठा लिए हैं। अब हम प्रत्येक फंदे में दो फंदे बनाएंगे, एक सामने से और एक बैक लूप से, एक फ्रंट लूप से और एक बैक लूप से। तो सभी फंदों में हम दो दो फंदे बनाते चले जाएंगे क्योंकि हम घेरा बना रहे हैं। इसमें हमें फंदे ज्यादा चाहिए, इसलिए हम सभी फंदों में दो दो फंदे बनाते चले जा रहे हैं। एक बार आगे से और एक बार पीछे से, एक बार फ्रंट लूप से और एक बार बैक लूप से। तो मैं सभी फंदों को दो बार बुन के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी फंदों को दो दो बार बुन लिया है। एक फंदे से दो दो फंदे बनाते हुए हमने पूरे फंदों को बुन लिया है। अब हम फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए हैं। तो चूंकि हम राउंड नीडल से बना रहे हैं तो इसलिए हम इसको ऐसे थोड़ा सा खींचेंगे और अब हमें नॉर्मली बुनना है, यानी सभी फंदों को सिर्फ एक बार बुनना है। सीधा बुनते हुए सभी फंदों को अब हमें सिर्फ सीधा बुनना है। अब हम सभी फंदों को सिर्फ सीधा सीधा बुनेंगे क्योंकि ये हमें सिर्फ सामने की तरफ से ही बुनाई करनी है। तो
इसमें उल्टा नहीं बुनते हैं, सिर्फ अब हमें सीधा सीधा ही बुनना है। और जैसे जैसे हमने अपना कलर लगाया है इसमें, वैसे ही हमें इसमें कलर भी लगाते जाना है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारा दूसरा लाइन भी कंप्लीट होने जा रहा है। ये हमने एक से दो फंदे किए थे, वो दूसरा लाइन भी कंप्लीट होने जा रहा है। तो अब हम यहाँ पे मार्कर लगा देंगे, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि लाइन कहाँ कंप्लीट हो रहा है। इसके लिए हम यहाँ मार्कर लगा देंगे, और फिर मार्कर लगाने के बाद हम अब बाकी फंदों को सीधे बुनते जाएंगे। अब या तो हम अपने पैटर्न को कायम रखेंगे, या फिर जैसे हमारे ऊन बचे हुए हैं, क्योंकि ये हम बचे हुए ऊन का इस्तेमाल करते हुए फ्रॉक बना रहे हैं, तो जैसे हमारे ऊन बचे हुए हैं उस हिसाब से बना सकते हैं। अब चाहें तो हम एक कलर को मेन रख के थोड़ी बुनाई करने के बाद नीचे अपना पैटर्न कायम रख सकते हैं, तो हम किसी भी तरह इसको बना सकते हैं। अब हमें सिर्फ सीधा सीधा बुनना है, और अगर दूसरा कलर लगाना होगा तो यहाँ मार्कर के पास हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, बुनते बुनते हम अपने मार्कर के पास आ गए हैं, और हमारी घेरे की लंबाई लगभग तैयार हो गई है। तो अब हम इसे क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने का वही तरीका है, अब हम इसको निकाल दें, दो दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे, फिर इसको वापस दाहिनी सिलाई पे चढ़ाएंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, दो का एक करेंगे। तो देखिए हमारे फंदे क्लोज होने शुरू हो गए हैं। तो दो दो फंदों को हम लेते जाएंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे। अब इसको फिर बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, दो का एक, फिर बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और दो का एक करेंगे। तो इसी तरह हम सारे फंदे क्लोज कर लेंगे। तो फंदे क्लोज करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी फंदे बाइंड ऑफ कर, तो हमारे सारे फंदे क्लोज हो गए। अब हम इस लूप में से क्रोशिए का काम करेंगे। तो ऐसे सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे और इसको हमने अटैच कर लिया। अब तीन चेन बनाएंगे, एक बार लपेटेंगे और फिर इसी जगह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक बार लपेटेंगे और यहीं से एक बार और डबल क्रोशिया। इसको भी हम काउंट करेंगे, ये हमारे तीन डबल क्रोशिया हो गए। इसको ऐसे लिटाएंगे जहां तक ये जाए, और फिर इसको स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। एक बल लेंगे और एक बार हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसी जगह से एक बार और डबल क्रोशिया बनाया, दो हुआ, फिर इसी जगह से एक बार और डबल क्रोशिया, तो तीन डबल क्रोशिया हुआ। ऐसे हम इसे ले जाएंगे जितनी दूर तक जाएगा, और फिर इसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। फिर हम बल लेंगे और यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो और तीन, ऐसे लिटाएंगे जहां तक जाए, और फिर इसे स्लिप स्टिच से ऐसे जोड़ देंगे। तो इसी तरह करते हुए हम चारों तरफ पूरी घेरे में क्रोशिया से एजिंग कर देंगे। तो करके मैं आपको दिखाती हूँ।
और अब हमने देखिए हमने घेरे पर क्रोशिया से एजिंग कर दी, तो हमारा घेरा कंप्लीट हो गया। अब इसको ऐसे थोड़ा सा बड़ा सा लूप निकाल के इसको काट देंगे और इसे अंदर की तरफ कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने घेरे पे एजिंग कर लिए है, अब हमें आस्तीन पे और गले पे करना होगा। जब भी हम कॉर्नर पे आएंगे तो यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से जोड़ा, अब एक स्लिप स्टिच यहाँ भी करेंगे और अब यहाँ से फिर से अपना तीन डबल स्टिच यहाँ पे हम अपना बना के और फिर से अपना ऐसे एजिंग करना शुरू कर देंगे। इस तरह करने से देखिए यहाँ पे क्लीन आता है, देखिए कॉर्नर एकदम क्लीन आया है। तीन डबल क्रोशिया बना के और उसके बाद स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देना है। फिर यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, फिर इसको ऐसे जाने देंगे जितने दूर तक जाता है, फिर स्लिप स्टिच से ऐसे जोड़ देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम फिर कॉर्नर पे हैं तो इसे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। अब फिर दूसरी साइड में हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे और फिर अपना प्रोसेस शुरू कर देंगे, यानी कि तीन डबल क्रोशिया यहाँ पे हम बनाएंगे, एक दो तीन, फिर इसको जितने दूर तक जाता है जाने देंगे और फिर इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब देखिए हम फिर कॉर्नर पे आ गए तो इसको ऐसे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे और अब देखिए इस यहाँ पे हमें मुड़ना है तो अब हम दूसरी साइड भी स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और फिर अपना हम पैटर्न चालू करेंगे, यानी कि तीन डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे, तीन डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे, एक दो तीन, फिर इसको जितनी दूर तक जाता है इसको जाने देंगे, फिर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, फिर यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह करने से ये हमारा कॉर्नर एकदम क्लीन आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आस्तीन पे और गले पर भी एजिंग कर दी
और देखिए जहाँ जहाँ पे हमारा कॉर्नर आया है, एक बार मैंने इस साइड में देखिए स्लिप स्टिच जोड़ा है और दूसरी बार दूसरी घुमाकर यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच से जोड़ा है, तो देखिए कॉर्नर एकदम क्लीन आया है। दोनों साइड में मैंने दो स्लिप स्टिच जोड़ा है, एक बार इस साइड में एक बार इस साइड में, तो देखिए कॉर्नर एकदम क्लीन आया है। तो इस तरह हमारा ये फ्रॉक बनके तैयार हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्रॉक बनके तैयार है। आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।